हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस IQ10 यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो आपने इस वीडियो पर विजिट किया होगा, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आपको आपके किसी भी प्रिंटर में, जैसे कि ये मेरे पास है जो कि G series 2010 2010 का सीरीज़ है, और मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम आया था, तो मैंने कैसे ठीक किया वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। एकदम कुछ नहीं है, बस एक दो स्टेप करना है, फिर आपको आपका जस्ट काम हो जाएगा। तो मेरे पास दो कलर मिसिंग था, मैं आपको वो दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए IQ10 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 2010, और इसमें मेरे को भी एक प्रॉब्लम आया था जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दो कलर नहीं आ रहा है, ये देखिए, एक एम नहीं आ रहा है, दूसरा एम। यहाँ पर जो दो कलर होता है रेड का, जो कि यहाँ पर है, ये कलर, ये एम वाला कलर नहीं आ रहा था। तो मैंने कुछ नहीं करना है गाइस, आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ करना है। पहले तो मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, अभी ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, इसको एक बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ, वो जो प्लस होता है ना, प्लस करंट करंट के लिए यूज़ करते हैं, वैसे कुछ चिन्ह आ रहा है। वो करने के बाद, जैसे कि अगर आप लोगों के पास जैसे कि ये देख, यहाँ पर कलर नहीं है, ठीक है, कलर नहीं आ रहा है, तो कलर के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो चीन नहीं आया, चीन दिखाई दे रहा है, ये आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्लस चिन्ह है ना, प्लस चिन्ह, इसे तीन बार प्रेस करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर कलर, जैसे कि यहाँ पर कलर नहीं है तो हमें कलर चाहिए, तो कलर के लिए यहाँ पर जो स्विच है, कलर के लिए अगर आप लोगों को अगर ब्लैक नहीं आ रहा है तो आपको ब्लैक प्रेस करना है, और आप लोगों का कलर नहीं आ रहा है तो कलर प्रेस करना है। तो अब मेरा कलर नहीं आ रहा था मेरा, जो कि कलर नहीं आ रहा था, तो मैं कलर प्रेस करूँगा। उसके लिए मुझे इस चीज इसको एक बार प्रेस करना है। जैसे कि आप अभी सुन सकते हो, जैसे कि आप सुन सकते हो मेरा मशीन, जो कि मेरा प्रिंटिंग मशीन, जो मशीन है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसे सिर्फ 2-3 मिनट देना है, उसके बाद आप लोगों का जो कलर प्रिंट है वो ठीक हो जाएगा। उसे कैसे प्रिंट करना है मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा। तो चलिए इसे थोड़ा फर्स्ट कर लेते हैं, जब तक ये चलेगा तब तक मैं थोड़ा फर्स्ट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, हो चुका है, अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम प्रिंट करके देखते हैं हमारा जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए, तो पहले तो हमें ये प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद वैसे ही एक चीन आ रहा है, चीन करने के बाद हमें कलर को देखना है, तो कलर प्रिंट करना है। तो देख, प्रिंटिंग शुरू हो चुका है, प्रिंटिंग शुरू हो चुका है। वहाँ से पेपर ऐड होगा, फिर इधर से पेपर आएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हम देख पाएंगे कि हमारा जो कलर है वो कलर ठीक हो चुका है या नहीं। मशीन चल पड़ा है, जैसे कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा निकल रहा है, देखिए एकदम बेस्ट क्वालिटी में कलर आ चुका है। देखिए, इसमें कोई फेक नहीं है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसमें कोई फेक नहीं है, कलर ऑल कलर कंप्लीटली कलर बेस्ट आया हुआ है। तो आप भी ऐसे ही
अपना जो अपना अगर आप लोगों का भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई बाहर लेकर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतने ही। अगर और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।